हिना ने सब कुछ त्याग कर साध्वी बनना स्वीकारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरत की 28 वर्षीय डॉक्टर हिना कुमारी की, जो दीक्षा ले साध्वी बनने के बाद विशारद माला के नाम से जानी जाएंगी। गोल्ड मेडलिस्ट MBBS कर 3 साल से प्रैक्टिस कर रही डॉक्टर हिना अपने परिवार में 6 बहनों में सबसे बड़ी हैं। वे स्थायी रूप से पाली राजस्थान की रहने वाली हैं। बाद में परिवार सूरत में आकर बस गया। अरबपति पिता की संतान हिना काफी समय से अपने परिवार को मनाने में लगी थी कि वे जैन परंपरा के अनुसार दीक्षा लेना और साध्वी बनना चाहती हैं, पर इसके लिए उनका परिवार तैयार नहीं था। लेकिन हिना के अडिग इरादे के आगे उनके परिवार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और हिना के फैसले का सम्मान करना पड़ा। और 48 दिन की साधना पूरी करने के बाद हिना ने आध्यात्मिक गुरु आचार्य विजय यशो वर्मा सुरेश्वर जी महाराज से दीक्षा ले ली। हिना सांसारिक जीवन को त्याग साध्वी बन गई हैं और अब डॉक्टर हिना को साध्वी विशारद माला के नाम से जाना जाएगा।